गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू साइंस चैप्टर वन। चैप्टर वन का हम पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री पहले स्टडी कर चुके हैं। तो आई स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर वन का पार्ट फोर। चैप्टर लंबी होने के कारण हमें कई पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। पार्ट फोर स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे बूजो सेज वंस ही ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज व्हीट फील्ड फ्रॉम वर स्पॉइल्ड बाय द फंगीज। तो देखिए, बूजो ने को याद है कि उसके दादाजी ने एक बार बताया थे, एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। अब बूजो क्या चाहता है, बूजो जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं। तो अब उसमें पहली उसको बताते, पहली टोल्ड टू हिम, पहली ने बताया कि यीस्ट यानी कि फंगी और यीस्ट दो चीजें हमारी, छत्रक, यीस्ट और छत्रक ऐसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पदार्थ को जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न होते हैं। कुछ कवकों को उपयोग द्वारा भी हम औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर दर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन एंड दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बोसिस। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लाइव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट्स, द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगीज एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लीचेस। तो देखिए क्या होता है, लाइकेन हमारे क्या है। अब हमारे सबसे पहले हमें वर्ड्स को समझना है। तो सिंबोसिस हमारे क्या है, सहजीवी संबंध, सहजीवी संबंध को कहते हैं, और लाइकेन होते हैं हमारे। तो देखिए कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध हम कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों को के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व होता है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं, इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। शैवाल में जो क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है और बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा 1.5, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। तो मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार से होती है। Have you seen farmers spreading manure or fertilizer in the field? क्या आपने कभी देखा है कि किसान किस प्रकार से अपने खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, इसलिए मृदा को इनकी आवश्यक मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद्य में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पादप पोषक होते हैं, पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। तो यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्सॉर्ब द लोट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट द नाइट्रोजन। यू लर्नड दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन द प्लांटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, दे नीड नाइट्रोजन इन द सोल्यूबल फॉर्म। तो देखिए क्या होगा, इसमें मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनको ये शेल्टर भी देते हैं। दस्ता हैव सिंपैथेटिक रिलेशनशिप, दिस एसोसिएशन इज टू ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स वेयर लेगम्स
प्लांट्स आर ग्रोन मोस्ट ऑफ पल्सिस दाल्स एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूम्स प्लांट. इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स, ओनली अ फ्यू प्लांट आर पैरासाइटिक एंड सेप्रोट्रॉफिक. दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स आर categorized as heterotrophs since they depend on plant and other animal for food. Can we say that the insectivorous plant are partial heterotrophs? तो आपने देखा इसमें क्या कि जो हमारे उनमें सहजीवी संबंध होता है, इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व होता है. दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है. इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, केवल बहुत कम पादप ही अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृत जीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं. सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर करते रहते हैं, अतः उन्हें विषम पोषी के रूप में समूहीकृत किया जाता है. क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषम पोषी होते हैं? कैसे होते हैं ये विषम पोषी? तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका चैप्टर यहीं एंड होता है. नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये आपके कीवर्ड्स, ये आपके जो समरी दी हुई है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. तब तक आपको इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, बुक से रीड करना है. थैंक यू एवरीवन.